ये कहानी एक ऐसे राजा की है जो पैदा होने पर तो काफी कमजोर होता है, लेकिन वो अपने आप को साबित करता है कि एक राजा बनने की सारी काबिलियत उसके अंदर है। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एप के एक छोटे से कबीले को देखते हैं, जहां का राजा सिमोन आज पिता बनने वाला था। राजा खुशखबरी के इंतजार में बाहर अपने प्रजा के साथ खड़ा होता है कि तभी वहाँ पर राजा का सलाहकार व्लादिमीर आता है, जो राजा को बताता है कि महाराज, हमारे सामने एक समस्या आ गई है। राजा को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती, इसीलिए वो खुद ही रानी के कक्ष में जाता है, जहां वो अपने प्यारे से बेटे को देखकर काफी खुश होता है, जो काफी स्ट्रांग और उसी की तरह हेल्दी था। तभी उसका सलाहकार व्लादिमीर उसका दूसरा बेटा दिखाता है, जो काफी दुबला पतला और कमजोर था। वो उसके दूसरे बेटे को दिखाते हुए कहता है कि महाराज, आपके इस बेटे ने पहले जन्म लिया है और खानदानी परंपरा के मुताबिक खानदान का पहला वारिस ही राजा बनेगा। राजा अपने बड़े बेटे को देखकर काफी उदास होता है, क्योंकि वो काफी छोटा और कमजोर था और वो जानता था कि प्रजा कभी भी इसे अपने राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। तभी वहाँ राजा की जादूगरनी, जो एक विच होती है, वो वहाँ पे आती है। वो राजा को दिलासा देते हुए कहती है कि महाराज, आप चिंता ना करें, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, ये तो प्रकृति का दोष है और ये इतना कमजोर है कि कोई भी इसे कभी अपना राजा स्वीकार नहीं करेगा, और इसीलिए राजा व्लादिमीर को उसे मारने के लिए कहता है। पर जब व्लादिमीर उस छोटे राजकुमार को मारने जाता है, तो उस छोटे से बच्चे की मासूमियत देखकर उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो उसे नहीं मारता। पर जब वो उसे छोड़कर वहाँ से जाने लगता है, तो वो राजकुमार रोने लगता है। इस पर व्लादिमीर उसे चलना सिखाता है और उसके साथ खेलता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और राजकुमार बढ़ता जाता है, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर होने की वजह से राजकुमार एडवर्ड अभी भी बच्चे की तरह दिखाई देता है और उसके काम भी बिल्कुल बच्चे की तरह थे। लेकिन एडवर्ड हर बात जानने के लिए काफी उत्सुक रहता था। एक बार जब एडवर्ड अपने दोस्त यान के साथ खेल रहा था, इसी बीच एक पौधे को तोड़कर वो यान को उसे फुलाने के लिए देता है, और जब यान उसमें फूंक मारता है तो वो एक बलून की तरह फूल जाता है। पर तभी वहाँ पर एक बर्ड आकर उसे फोड़ देती है, और जैसे ही वो बबल फूटता है, वो अष्टिक यान की नोज पर जाकर चिपक जाती है। ये देखकर एडवर्ड काफी खुश होता है और उस स्टिक को लेकर पास की पत्तियों को उस पे चिपकाने लगता है, क्योंकि ये बात उन लोगों के लिए कोई मैजिक से कम नहीं था। ये लोग खेल ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो दोनों उस तरफ जाने लगते हैं। और जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ पे एक खेल का आयोजन हो रहा था और उस खेल में राजा का बेटा काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत खुश हो रहे थे और राजा भी अपने बेटे का खेल देखकर काफी खुश हो रहा था। तभी खेल एक बार फिर से स्टार्ट हो जाता है और राजा का छोटा बेटा वानिया एक बार फिर पूरे जोश के साथ खेलना स्टार्ट करता है, लेकिन जैसे ही गेंद यान के पास आता है, यान अपने आप पर से कंट्रोल खो देता है और वो गेंद पकड़ने के लिए नीचे कूद जाता है। उसी के साथ एडवर्ड भी नीचे कूद जाता है और दोनों गेंद के साथ नीचे गिरते हैं, पर वो गेंद उनके हाथ से छूटकर एक गड्ढे में चली जाती है। ये सब देखकर वहाँ के लोग उन दोनों को घेर लेते हैं। एडवर्ड तो किसी तरह उनसे बच जाता है, लेकिन वो लोग यान को बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। ये देखकर एडवर्ड तुरंत उसी पौधे को तोड़ता है और उसमें फूंक मारकर उसे चिपचिपा बना देता है, और उसकी मदद से वो उस बॉल को गड्ढे से निकाल लेता है। वो जब उस बॉल को गड्ढे से बाहर निकालता है, तो वो लोग उसे देखकर काफी हैरान होते हैं। तभी वहाँ पर वानिया आता है, जो एडवर्ड से बात करने लगता है, पर तभी वहाँ पर विच और व्लादिमीर की नजर एडवर्ड और वानिया के पैरों पर जाती है, तो वो लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उन दोनों के पैर बिल्कुल समान थे। वानिया एडवर्ड से बॉल ले लेता है और खेल को एक बार फिर स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गेंद पर चिपचिपा पदार्थ लगे होने के कारण गेंद वानिया के हाथ में चिपक जाता है और वहाँ के सारे लोग उसके हाथ से वो गेंद को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी उन लोगों से वो गेंद नहीं छूटती। लेकिन अंत में एक बंदर उस गेंद को छुड़ा लेता है, और जैसे ही वो उस गेंद को छुड़ाता है, वो जाकर एक पेड़ से टकराता है और उसके हाथों से वो गेंद छूटकर राजा के सिर पर जा लगती है और वो वहीं चिपक जाता है। व्लादिमीर उसके सर से वो गेंद छुड़ाने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो उस गेंद को उसके सर से छुड़ाता है, राजा के सर के बाल भी उस जगह से उखड़ जाते हैं। राजा इस बात से काफी नाराज होता है। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बंदर आता है, जो उनसे कहता है कि उन्हें राजा ने बुलाया है। ये बात सुनकर एडवर्ड काफी खुश होता है और यान के साथ वो दौड़ते हुए राजा के पास जाता है। राजा एडवर्ड से कहता है कि उसने सुना है कि तुम मैजिक जानते हो, और वो उसे उसका मैजिक दिखाने को कहता है। ये बात सुनकर एडवर्ड पेड़ की पत्तियां सहित एक डाल को तोड़ कर लाता है और उसे राजा के सिर पर लगा देता है, जो बिल्कुल एक क्राउन की तरह लगता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। राजा को उसका चेहरा दिखाने के लिए एडवर्ड एक पत्ते में बरसात का पानी इकट्ठा करता है, और वहीं हम देखते हैं कि राजा की जादूगरनी, जो एक विच होती है,
वो मौका पाकर वहाँ से निकल जाती है। इधर एडवर्ड उस पानी से भरे पत्ते में राजा का उसका चेहरा देखने को कहता है और जैसे ही राजा उसमें अपने आप को देखता है वो खुद को देखकर घबरा जाता है क्योंकि इससे पहले कभी उसने अपने आप को देखा नहीं था। तो एडवर्ड राजा सिमोन से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं और वो एक बार फिर से उसमें अपने आप को देखता है और इस बार वो अपने आप को देखकर काफी खुश होता है। इसके बाद एडवर्ड राजा के लिए एक झूला बनाता है और राजा सिमोन को उस पर बैठने के लिए कहता है। इधर वो विच अपनी काली शक्तियों से बहुत सारे मधुमक्खियों को पैदा करती है और उन मधुमक्खियों को वहाँ के सभी लोगों पर छोड़ देती है। इधर राजा को झूले पर झूलने में काफी मजा आ रहा था कि तभी वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ उन पर हमला कर देती है जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और राजा वहाँ से नीचे गिर जाता है। ये देखकर वानिया एडवर्ड को भी वहाँ से नीचे गिरा देता है पर इस बात से राजा वानिया पर काफी गुस्सा करता है और इसी बात से नाराज होकर वानिया वहाँ से चला जाता है। और वहीं हम एडवर्ड को देखते हैं जो नीचे गिरने की वजह से काफी वीक फील कर रहा था। तभी उसके पास यान आता है जो उसकी मदद करना चाहता था लेकिन काफी दूर होने की वजह से वो उसकी मदद नहीं कर पाता। तो यान वहाँ से आगे की ओर बढ़ता है और इसी दौरान वो एक गड्ढे में गिर जाता है और जब एडवर्ड उस गड्ढे से बाहर निकलता है तो उसे दो ऑस्ट्रिच मिलते हैं जो काफी सुंदर थे और साथ ही उसे वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर दिखाई देते हैं जिसे देखकर एडवर्ड काफी खुश होता है। पर तभी वो देखता है कि कुछ जंगली भेड़िये तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो पीछे की ओर जाने लगता है क्योंकि एडवर्ड कभी भी अपने दो पैरों से दौड़ा नहीं होता है। पर किसी तरह वो घूमकर पीछे की ओर दौड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है। इधर एडवर्ड द्वारा दी गई पानी से भरे पत्ते में सभी लोग अपने चेहरे को देखकर काफी खुश हो रहे थे कि तभी उनकी नजर एडवर्ड पर जाती है तो वो देखते हैं कि उसके पीछे बहुत सारे जंगली भेड़िये लगे हैं। एडवर्ड वहाँ से भागते हुए एक गैंडों के झुंड में चला जाता है और जब गैंडे भेड़ियों को देखते हैं तो वो वहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए गैंडे जब एडवर्ड के पीछे लग जाते हैं और जब राजा ये देखता है तो वो उसकी मदद करने के लिए अकेला ही चला जाता है। एडवर्ड को बचाते हुए राजा घायल हो जाता है और काफी चोट लगने की वजह से राजा की वहीं पर मौत हो जाती है लेकिन मरने से पहले राजा उसे ये बता देता है कि वो उसी का बेटा है और वानिया उसका छोटा भाई है। ये बात सुनकर वानिया जरा भी खुश नहीं था। वानिया अपने डैड को लेकर वहाँ से चला जाता है। एडवर्ड को जब इस बात का पता लगता है कि वो राजा सिमोन का बेटा है तो वो काफी हैरान होता है। राजा के मौत के बाद वानिया के राजा बनने की तैयारियां शुरू होने लगती है और वहाँ के लोग भी अपने नए राजा के रूप में वानिया को पाकर काफी खुश लग रहे थे। वहीं एडवर्ड और यान उस पेड़ के नीचे जंगल में होते हैं तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है और एक बिजली आकर सूखे पेड़ पर गिरती है जिससे उसमें आग लग जाती है। एडवर्ड सभी चीजों को जानने के लिए काफी उत्सुक था इसीलिए वो आग को देखकर काफी खुश होता है और जाकर जलती हुई पेड़ की टहनी को पकड़ लेता है जिससे वो जल जाता है क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि वो आग से जल सकते हैं। इसके बाद वो आग से खेलने लगता है तभी आसमान से एक बहुत बड़ा हॉल स्टॉर्म आता है जो काफी स्ट्रॉन्ग था। उस हॉल स्टॉर्म के रास्ते में जो कुछ भी आता है वो उसे अपने अंदर खींच लेता है जिसमें एडवर्ड भी उसके अंदर चला जाता है और उसमें उसकी मुलाकात एक बेहद खूबसूरत फीमेल एप से होती है जिसका नाम लूसी था। एडवर्ड लूसी के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा था पर वो किसी तरह उस हॉल स्टॉर्म से बाहर निकल जाता है और थोड़ी देर बाद लूसी भी वहां से बाहर निकल जाती है जो वहां से गिरकर एक खाई में अटक जाती है। एडवर्ड एक रस्सी की मदद से उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो रस्सी कमजोर होने के कारण टूट जाती है। लेकिन जैसे ही वो लोग खाई में गिरने वाले होते हैं वहां पर एडवर्ड का दोस्त यान आकर उस रस्सी को पकड़ लेता है पर जब वो लोग ऊपर आते हैं तो यान के मूर्खता के कारण एक बार फिर से वो खाई में गिर जाते हैं लेकिन एडवर्ड किसी तरह उन्हें बाहर निकालता है और जब लूसी को होश आता है तो वो सामने एडवर्ड को देखती है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है इसीलिए वो वहां से भागने लगती है। पर एडवर्ड उसका पीछा करता है और काफी मुश्किलों का सामना करते हुए वो लूसी के पास पहुंचता है और फिर दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और इसके बाद वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं। और जब रात होती है तो एडवर्ड वहां के लावा में से एक लकड़ी में आग लगा लेता है जिसे देखकर लूसी डर जाती है लेकिन एडवर्ड उसे समझाता और उसे लेकर अपने होम ट्री की ओर जाता है जिसे देखकर सभी बंदर काफी खुश होते हैं क्योंकि रात में एडवर्ड की वजह से उजाला हुआ होता है। तभी वहां पर वानिया आता है। उसे लगता है कि आग उनकी दुश्मन है इसीलिए वो एडवर्ड को वहां से चले जाने को कहता है पर एडवर्ड वानिया को समझाता है और कहता है कि आग हमारी दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है और वो एक एक करके बहुत सारी लकड़ियों में आग जलाकर उन्हें दिखाता है लेकिन विच सभी को एडवर्ड के खिलाफ भड़का देती है जिसकी वजह से सभी लोग एडवर्ड को वहां से मारकर भगा देते हैं। तो वो दोनों एक गुफा में जाते हैं जहां उन्हें एक भेड़िया मिलता है पर एडवर्ड उस आग की मदद से उसे भगा देता है और वो दोनों रात को उसी गुफा में रहते हैं। एडवर्ड बहुत सारी लकड़ियों की मदद से वहां पर काफी उजाला कर देता है
अगली सुबह लूसी और एडवर्ड मिलकर शिकार करते हैं। रात में लूसी जब गुफा में पत्थर को पत्थर से टकराती है तो उसमें से चिंगारी निकलती है। ये सब देखकर एडवर्ड उस चिंगारी से आग पैदा करता है और इसके बाद वो लोग डेली शिकार करते हैं और रात वो गुफा में ही बिताते हैं। एक दिन लूसी और एडवर्ड अपने शिकार को कच्चा खा रहे थे तो एडवर्ड एक मरे हुए शिकार को आग में डाल देता है और जैसे ही शिकार आग में पकने लगता है तो उसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है, जिसकी वजह से सारे बंदर उसे खाने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और सभी लोग उसे खाने के लिए एडवर्ड के पास चले आते हैं। लूसी उन्हें वहाँ से भगाना चाहती थी लेकिन एडवर्ड उसे ऐसा करने से मना करता है और इसके बाद सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं और रात वहीं गुफा में बिताते हैं और वो लोग वहाँ पर खूब मस्ती करते हैं। सभी लोग काफी खुश थे और उधर राजा वानिया कई दिनों तक अकेले ही पेड़ पर बैठा होता है। वहाँ के सभी लोग एडवर्ड के साथ रहकर काफी होशियार हो गए थे और वहाँ पर बड़ी बड़ी लकड़ियों को जलाकर वो काफी मात्रा में आग जला रहे होते हैं। वहाँ पे धीरे धीरे एक बस्ती बनकर तैयार हो जाती है। सभी लोग वहाँ पर काफी खुश थे। तभी एक बार फिर वो विच अपनी काली शक्तियों की मदद से मधुमक्खियों को एडवर्ड के पास भेजती है जो उन पर हमला कर देती है और इस हमले में काफी भगदड़ मच जाती है। भगदड़ मचने की वजह से वहाँ की सारी इमारतें गिर जाती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। इस बात से सभी लोग काफी उदास और गुस्सा होते हैं। तभी उन्हें विच की आवाज सुनाई देती है तो सभी लोग अपने हथियार लेकर उस विच को मारने के लिए जाते हैं और जब वो लोग उस पेड़ के पास पहुंचते हैं तो उसे वो जलाने की कोशिश करते हैं लेकिन एडवर्ड उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है। उनकी आवाज सुनकर किंग वानिया भी वहां पे आ जाता है। उसे देखकर उनका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और व्लादिमीर अपने दो आदमियों को पेड़ को काटने के लिए भेजता है और जैसे ही वो लोग उस पेड़ को काटना स्टार्ट करते हैं उस पेड़ से एक लिक्विड निकलता है। उस पेड़ को कटता देखकर किंग वानिया उन पर हमला कर देता है और उनके बीच वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है और इस फाइट के दौरान वहाँ के पेड़ में आग लग जाती है। आग लगने की वजह से रानी मेडुला पेड़ पे ही फंस जाती है तो एडवर्ड रानी को खतरे में देखकर उसे बचाने के लिए जाता है पर उसे बचाने में एडवर्ड खुद ही एक मुसीबत में फंस जाता है। एडवर्ड वहाँ के सभी लोगों से मदद मांगता है लेकिन पेड़ में आग लगने की वजह से वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एडवर्ड को किंग वानिया दिखाई देता है तो वो उससे मदद मांगता है और वहीं उस पेड़ पर वो विच भी फंसी होती है और वो उस आग की तेज लपटों में जलकर वहीं पे मारी जाती है। इधर वानिया एडवर्ड को बचा लेता है लेकिन उनका घर पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गया था। वानिया को अब अपनी गलती का एहसास होता है और वो एडवर्ड को बताता है कि वो और विच मिलकर उसे मारना चाहते थे लेकिन अब वो एडवर्ड को अपने बड़े भाई के रूप में स्वीकार कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं लेकिन अपने घर को बर्बाद देकर वो काफी दुखी होते हैं। सभी को दुखी देखकर एडवर्ड उन्हें एक दूसरे घर के बारे में बताता है और उन्हें लेकर उस नए घर की ओर निकल जाता है और एक काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद वो लोग एक बहुत सुंदर जंगल में पहुंचते हैं जहां का नजारा देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।